Vayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो फ्रेंड्स सो ई एस डी ए आर अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैट्सिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर इस कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मीडियन के बारे में बात करी थी और जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा था तो मैं आपको कुछ उसमें कुछ पार्टीशनिंग वैल्यूज़ की के बारे में बता रहा था और जिस तरीके से हमने मीडियन को कैसे डिफाइन किया था हमने अपने टोटल फ्रीक्वेंसी कर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया था और जो भी आपकी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आई थी उसके बाई और, और दाई ओर दोनों ओर आपके पास 50 प्रतिशत फ्रीक्वेंसी थी अब आप अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर आगे ले जाने की कोशिश करिए जैसे आपने दो हिस्से किए हैं क्या आप दो से ज्यादा हिस्से भी कर सकते हैं आप चार दस बीस पचास सौ आप कितने भी हिस्से कर सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने बार बार आ रहा है कि हम ये जो हिस्से करते हैं इसका फायदा क्या होने वाला है इससे हमको क्या मिलने वाला है तो जैसे मैंने मीडियन के बारे में बताया तो मीडियन में क्या है कि उसने आपको एक सॉर्ट sort ऑफ of जैसे एवरेज वैल्यू होती उस तरह की वैल्यू दे दी हो ऐसी अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर एक एरिया में हमारी 25 परसेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्योंकि हम टोटल फ्रीक्वेंसी कर को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं और ऐसी अगर हम 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर एक सेक्शन में हमारी 10 प्रतिशत फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और उसी तरीके से अगर इसको हम सौ भागों में बांट दें तो, तो हर एक हिस्से में हमारी एक एक प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी अब मेरा सवाल फिर से वही है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं और इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है तो चलिए हम एक आपको एक छोटा सा रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं और उसके थ्रू हम आपको ये जो हमारे पार्टीशन हो रहे हैं ख़ास तौर पे पर जो परसेंटाइल है जहाँ पर हम अपने टोटल फ्रीक्वेंसी कर को सौ हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे जिससे कि हर एक हिस्से में आपका वन परसेंट एक प्रतिशत आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप कभी में से जिन लोगों ने कभी किसी भी कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के या in, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ पर जो भी स्कोर है वो टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल में आपका स्कोर होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका जैसे अगर अगर हम कहें कि हम अपने कॉलेज में आपका एडमिशन तभी लेंगे या हम आपको एडमिशन के लिए तभी कंसीडर करेंगे अर्थात कि आप आप हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म ही तभी भर सकते हो जब आपके अपने क्लास ट्वेल्व के बोर्ड में जो नंबर आए हों वह टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल में हो उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा क्या क्राइटेरिया है हम आपका इम्तहान लेंगे या हम कुछ भी करेंगे वो तो बात की बात है उसके बारे में मैं भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ मैंने एक सिंपल सा क्राइटेरिया बनाया कि मेरे कॉलेज में वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अपने अपने क्लास ट्वेल्व के बोर्ड में टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल में रहे हों इससे क्या फ़ायदा होगा और इससे और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि अक्सर हमको ये कुछ सुनने में आता है कुछ कमेंट्स सुनने में आते हैं कोई कहता है कि जो हमारा क्लास ट्वेल्व का बोर्ड इस जगह का बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है और इस जगह का बहुत ही लूज़ मार्किंग करता है जैसे अगर हम कह लें ऐसे हमारे इंडिया में भी भारत में भी हमारे पास हर एक स्टेट में बोर्ड होते हैं और प्लस हमारे पास सेंट्रल बोर्ड भी होते हैं जो क्लास टेन का क्लास ट्वेल्व का मम्तहान कराते हैं राइट right. तो अगर हम कह लें हमारे पास सपोज तीन बोर्ड हैं एक्स वाई सेट तो अक्सर ये सुनने में आता है कि जो स्टूडेंट बोर्ड एक्स में अपियर होते हैं वो कहते हैं साहब हमारे बोर्ड में तो नंबर बहुत कठिनाई से मिलते हैं और जो हमारा वाई और जेड बोर्ड है उसमें नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और यह भी अक्सर देखा गया कि कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड है वहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट के अगर सेवेंटी परसेंट मार्क्स आ गए तो पूरे बोर्ड में टॉप कर जाता है और कुछ बोर्ड ऐसे हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट्स के 95 परसेंट मार्क्स भी आते हैं तो भी वो टॉप नहीं कर पाता उसके ऊपर भी लोग होते हैं तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम अपने कॉलेज में जो अपने एडमिशन का, का का हम अगर क्राइटेरिया ऐसा कर दें कि आपके अगर बोर्ड में 75 परसेंट मार्क्स के ऊपर आए हैं या या परसेंट मार्क्स के ऊपर अगर आए हैं तो आप हमारे कॉलेज में फॉर्म भर सकते हो मतलब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो तो क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया 80% परसेंट मार्क्स कहाँ पर क्लास ट्वेल्व के बोर्ड एग्ज़ाम में अब मुझे ये बताइए आपके पास तीन स्टूडेंट ने अप्लाई किया बोर्ड एक्स बोर्ड वाई और बोर्ड जेड और चलिए हम एक स, खल के लिए मान लेते हैं कि बोर्ड एक्स में जो मार्किंग होती, होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है बोर्ड वाई में मार्किंग एवरेज होती है और बोर्ड जेड में हमारी मार्किंग बहुत ही लूज़ होती है ऐसे जबकि होता नहीं है फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के लिए खाली ले रहा हूँ अब मुझे ये बताइए किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स हमारे सामने आते हैं सिक्सटी परसेंट या एटी परसेंट या नाइन्टी परसेंट क्या उसकी बेसिस पर हमको उस स्टूडेंट की जो रियल कैपेबिलिटी है उसके बारे में पता चल चल पाएगा हाँ ये मैंने मान लिया है कि बोर्ड एक्स कब कब से कठिन मार्किंग करता है बोर्ड वाई उसके बीच का एवरेज है और बोर्ड जेड बहुत ही लूज़ मार्किंग करता है अब अगर ये बताइए अगर हमारे स्टूडेंट के अगर सेवेंटी परसेंट नंबर आए हैं और सपोज़ वो अगर हमारे बोर्ड एक्स का है जहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि हमारी मार्किंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और एक हमारे स्टूडेंट है जिसके हमारे किसके हमारे 85 परसेंट नंबर आए हैं और वो बोर्ड Z का है जहाँ पर हमारी मार्किंग बहुत ही लूज़ होती है आपको क्या लगता है कि वो 75 परसेंट का जो स्टूडेंट है उसका नंबर और जो ये जो 85 परसेंट का स्टूडेंट है उसका नंबर क्या दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक्स बोर्ड का जो स्टूडेंट है जिसके अगर सेवेंटी आए हों वो शायद अपने बोर्ड का टॉपर हो और जो जिस स्टूडेंट के 85 परसेंट मार्क्स आए हैं और उसका बोर्ड अगर Z है हो सकता है कि वो अपने बोर्ड में सबसे नीचे हो तो ऐसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए जब हर एक बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल कॉपी चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए उसमें से आप टिक कर लीजिए कहीं पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको पूरे आंसर लिखने पड़ते हैं वो भी एक समस्या है तो इनके जो नंबर हैं उनको तो कंपेयर करना बहुत कठिन काम है और उनके और उन नंबर को देख करके हमको उन स्टूडेंट की जो रियल कैपेबिलिटी उसके उसके बारे में भी नहीं पता चल पा रहा है और आप सोचिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ इतना सा है कि जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो हमारे कॉलेज में आ जाए और उनको हमारे कॉलेज में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लेकिन अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मुझे उन स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में एडमिशन देना है तो अब जो एडमिशन है मैं उनके जो मार्क्स आए एब्सलूट मार्क्स आए उसकी बेसिस पर दूँ या मैं कुछ और करूँ और अगर और अगर कुछ और करूँ तो क्या करूँ अब ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंडीशन में इस समस्या का समाधान मुझको अपने क्वांटाइल से मिल जाता है क्वांटाइल से कैसे मिलता है हम अपने टोटल फ्रीक्वेंसी कर को 100 हिस्सों में बांट लेते हैं और हम कहते हैं कि कोई भी अगर हम एक आ, बोर्ड लेते हैं जैसे मैंने लिया बोर्ड एक्स और यही काम हम बोर्ड वाई और बोर्ड जेड के लिए भी करेंगे हमने बोर्ड एक्स में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं क्लास ट्वेल्व में वो हो सकता है कि एक लाख दो लाख दस लाख जितने भी हों हम उनका परसेंटाइल निकाल लेंगे हम उनका फ्रीक्वेंसी कर बनाएंगे और हम उनके पर्सेंटाइल निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा एटीथ परसेंटाइल क्या आ रहा है जो एटीएथ परसेंटाइल क्या हुआ टॉप ट्वेंटी का क्या मतलब होता है टॉप ट्वेंटी मतलब कि ऊपर से ट्वेंटी होना चाहिए अर्थात जो हमारा एटीएथ परसेंटाइल है हम उस एटीएथ परसेंटाइल की वैल्यू निकाल लेंगे और यही काम हम बोर्ड वाई और बोर्ड जेड में कर लेंगे और हम ये कह देंगे कि कोई भी स्टूडेंट जिसके भी मार्क्स हमारे उस 80 परसेंटाइल से ऊपर के आए हुए हैं वह हमारे कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो इससे क्या हुआ मैंने हर एक बोर्ड के जो टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल में स्टूडेंट्स आते हैं मैंने उनको चूज कर लिया अब उसमें से क्या होगा जैसे मेरा बोर्ड एक्स है जहां पर हाँ जहाँ पर मैंने ये माना हुआ है कि वहाँ पे मार्किंग बहुत ही कठिन होती बहुत स्ट्रिक्ट होती है तो हमने वहाँ पे जो अब अपने नंबरों का फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया है उसमें से क्या होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सपोज सेवेंटी है तो जो हमारा हंड्रेड वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू हमारी हंड्रेड होगी और वो हमारी यहाँ पर क्या होगी साठ नंबर जो हमारा सौवा परसेंटाइल हमारा होगा सौवा हिस्सा होगा वो तो इस बोर्ड के जो मैक्सिमम मार्क्स है उसी के बराबर होगा तो वो हमारा क्या हो गया सेवेंटी मार्क्स और उसी के अकॉर्डिंग हमको पूरे पूरे स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा तो मुझको ये पता चल जाएगा कि ओके इस वाले बोर्ड में जो हमारे एक हम मोटी मोटी भाषा में अगर हम बात करें तो जो टॉप ट्वेंटी परसेंट बच्चे कैसे हैं जो जो अच्छे हैं हम उनको चूज़ करने की कोशिश करते हैं और वही काम मैंने बोर्ड वाई और बोर्ड जेड के लिए भी कर लिया तो क्या हुआ उसको बोर्ड वाई और बोर्ड जेड में जो टॉप ट्वेंटी परसेंट बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने उस बोर्ड में उस अपने दिए हुए बोर्ड में अच्छा दिया हुआ है उनको मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बता दिया अब आपने देखा इससे क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ आप ये तो मान ही सकते हैं कि भाई हर बोर्ड में अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और जो उनके नंबर है उसको हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अलग अलग बोर्ड से आए हैं शायद वो तो एक ही अगर बोर्ड के होते हैं, तो हम शायद तभी उनको कंपेयर कर लेते लेकिन अलग अलग बोर्ड के आ रहे हैं तो उनका हम तो उनका हमारा कंपेरिज़न भी करना शायद ठीक नहीं उचित नहीं होगा ठीक नहीं होगा तो उसके लिए मैंने क्वान्टल्स का सहारा लिया और मैंने अपने टोटल फ्रीक्वेंसी कर को 100 हिस्सों में बांट दिया और फिर मैंने ऊपर के जो टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल में जो भी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको मैंने एलिजिबल घोषित कर दिया अब आपको नहीं लगता है कि ये क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया से तो बेटर है जहाँ पर हम एप्सलूट मार्क्स की बात कर रहे थे कि अगर मैंने एप्सलूट मार्क्स अगर अब एटी परसेंटाइल की जगह मैंने क्या कर दिया एटी परसेंट एटी अस्सी प्रतिशत अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि 80 प्रतिशत और 80th परसेंटाइल दोनों तो अलग अलग चीज़ें हो गई जैसे ही मैंने किया 80th एटी 80 प्रतिशत तो हमारा बेचारा बोर्ड एक्स का तो बच्चा स्टूडेंट भारी हो गया उनके वहां तो 70 परसेंट में तो वो टॉपर था लेकिन फिर भी उसके मार्क्स एटी परसेंट के ऊपर नहीं आए हैं तो ये तो एक अन्याय हो जाएगा ना कि आपने एक अच्छे स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन का अवसर नहीं दिया और जबकि हो सकता है कि जो आपका जो बोर्ड जेड का स्टूडेंट है जहाँ पे हमने ये माना है कि वहाँ पे हमको नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाए हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मुझको ये नहीं मालूम होगा कि अगर हम टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल स्टूडेंट्स को ले रहे हैं तो हमारे बोर्ड एक्स बोर्ड वाई और बोर्ड जेड से कितने कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उसकी संख्या ही हमको मालूम होती है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम तो उनको खाली अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं उसके बाद में हम उनका एक और इम्तहान ले लेंगे लेकिन अब एक अब ख़ास बात क्या है कि ये जो हमारा दूसरा इम्तहान होगा ये हमारे सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं अपने अपने बोर्ड के टॉप ट्वेंटी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके ही बीच में होगा हो सकता है कि, कि वो हमारे पांच चार स्टूडेंट्स हो और और हमारे कॉलेज में सीट खाली हंड्रेड हो तो हर एक बोर्ड में हमारे कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे टॉप परसेंटाइल में होंगे लेकिन ऐसा तो माना जा सकता है कि वो सौ के तो ऊपर ही होंगे और इसीलिए हमारा सिस्टम काम कर जाता है राइट तो ये देखिए मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया यहाँ पर आप इस आप इन क्वांटाइल्स को अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हो ओके okay, तो अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे जो आपने मीडियन में पल रखा था जिस तरह के कॉन्सेप्ट और जिस तरह से आपने मीडियन को डिफाइन करने की कोशिश करी थी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम आगे आएंगे और सबसे पहले हम एक जनरल क्वांटाइल की बात करेंगे और उसके बाद हम उसके जो भिन्न भिन्न हिस्से होते हैं उनको उनको करने की कोशिश करेंगे और उनकी आपको परिभाषा बताएंगे और उन हिस्सों को अपने आर सॉफ्टवेयर में हम कैसे कंप्यूट करते हैं उसके बारे में बताएंगे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और में बता दूँ कि जब भी कभी हम इन क्वांटाइल्स को किसी सॉफ्टवेयर में हम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली सॉफ्टवेयर्स में हमारा कोई एल्गोरिथम होता है और उस एल्गोरिथम के थ्रू हम इन क्वांटाइल्स को या क्वार्टाइल हो या परसेंटाइल हो या कुछ भी हो हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो एक संभावना ये होती कि अगर आप भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके क्वांटाइल्स में थोड़ा सा कुछ अंतर आ जाए और अगर आप जैसे कि अगर हम आर की बात भी करते हैं तो आर के अंदर भी आप अगर हेल्प मेन्यू में जाएंगे तो इन कॉन्टाइल्स को निकालने के लिए उन्होंने अलग अलग एल्गोरिथम की चॉइस दी हुई है ऐसा भी संभव है कि अगर आप उस चॉइस को चेंज कर दें कि किस मेथड से आपको अपने कॉन्टाइल्स को निकालना है हो सकता है कि जो आपका फाइनल आउटपुट आए उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है लेकिन वो फ़र्क ऐसा नहीं होगा कि आपके आ, कि आपके जो रिजल्ट बहुत ऐसे चेंज हो जाएंगे वो बहुत ही मार्जिनल सा फ़र्क होता है लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है इसीलिए कभी आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट जैसे कि आपको कोई इम्तहान करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये उन बोर्ड एक्स वाई जेड को बताना पड़ता है कि भाई मुझे अपने यहाँ के टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल के हमको नंबर दे दो उसके लिए क्या है बोर्ड आपको अपने हिसाब से नंबर को कंप्यूट करेगा उनके क्वान्टाइज निकालेगा तो वहाँ पर यह बताना बोर्ड को बहुत ही आवश्यक होता है कि आप किस मेथड को इस्तेमाल करिए अगर वो मेथड को अलग अलग कर देंगे ना तो क्या होगा कि डिफरेंट बोर्ड्स के जो हमारे आ, जो हमारे जो इस स्टूडेंट के, के, के जो नंबर आएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे ओके okay, और इसमें से हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के साथ में कुछ अन्याय हो जाए

होमपेज पेज पर अपलोड कर दी हैं। आप जब हमारे होम पेज पर जाओगे तो आपको वहाँ पर एक स्वयं प्रभा नाम का लिंक मिल जाएगा और जब आप उस लिंक के अंदर आओगे तो आपको वहाँ पे ये वाला लेक्चर और बाकी सारे लेक्चर की स्लाइड्स मिल जाएंगी आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अब हमारे होम पेज का है एड्रेस क्या है, क्या है? तो हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वो है हमारा होम backslash आई आई टी के sp का मतलब होता है स्वयं अभा और अगर आपको इस एड्रेस तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस क्यू आर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो और यह क्यू आर कोड स्कैन करके आपको डायरेक्ट इस एड्रेस पर ले आएगा और इस क्यू आर कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में बहुत सारे फ्री अप्लीकेशन हैं आप उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो और अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन में चले जाइए वहाँ पे जाकर के आप हमारा नाम दे देंगे बहुत से बहुत हमारे संस्थान का नाम भी दे दीजिए तो आपको हमारा होम पेज का एड्रेस वहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा और वहाँ से जब आप आगे आओगे तो स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आपको इस कोर्स की स्लाइड्स मिल जाएंगी राइट ओके तो चलिए आपको हम एक बार ब्रीफली बता देते हैं और जो कुछ मैंने आपको करके दिखाया है उसको ज़रा मैं साफ साफ करके मैं दिखा देता हूँ देखिए ये तो हमारा हो गया कोई एक मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कर ये फ्रीक्वेंसी कर एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं इसको अभी मैं सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपने देखा कि जब आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो यह जो वैल्यू हो गई आपकी क्या हो गई मीडियन और जब आपने इस हिस्से को आपने सपोज़ फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वन टू थ्री फोर तो इसको हम क्या बोलते हैं ये जो हमारी एक्स एक्सेस पर वैल्यू आई इनको बोलते हैं कॉटाइल और उसी तरीके से आप अगर इसी चीज़ को आप अगर मान लीजिए सौ हिस्सों में आप अगर डिवाइड कर देते हो राइट वन टू थ्री अप टू हेयर यहाँ कहीं पे आपका आ जाएगा सपोज 80, फिर 81, फिर 82, इत्यादि और यहाँ पे आपका आ जाएगा कहीं पर 100. ओके okay. तो अब इसमें से क्या हुआ हर एक इंटरवल के अंदर वन परसेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है वन परसेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है तो अब आप देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मुझको टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल का स्कोर अगर निकालना अगर है तो हमको क्या करना है हमको टॉप ट्वेंटी का मतलब ऊपर से हम नीचे आने की कोशिश करते हैं तो टॉप ट्वेंटी हमारा क्या हो गया एट्टी परसेंटाइल राइट तो हम यहाँ पर इस इसकी क्या वैल्यू होगी हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे और यही वैल्यू हमारी एटियत परसेंटाइल की होगी और ये हमको क्या दिखाएगी ये हमको दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस वैल्यू के बाई ओर ये जितना भी एरिया है यह टोटल फ्रीक्वेंसी का 80 परसेंट वैल्यूज़ यहाँ पर लाई कर रही हैं और इस फ्रीक्वेंसी के राइट हैंड साइड में जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वह हमारी टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल के अंदर आती हैं अर्थात अगर हम कह दें कि अगर हमारी एटीत परसेंटाइल की वैल्यू सपोज़ अगर हमारी है सपोज़ सेवेंटी फाइव तो इसका मतलब ये है कि उस बोर्ड के अंदर जहाँ से मैंने ये एटीत परसेंटाइल की वैल्यू सेवेंटी फाइव निकाली है उस बोर्ड में कोई भी स्टूडेंट जिसके अगर सेवेंटी फाइव परसेंट से ऊपर के नंबर अगर आए हैं वह हमारे संस्थान में हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है राइट right. तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है और जब भी हम आ, इस हिस्से को दो में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं हर एक प, आ, तो हम कहते हैं मीडियम जब चार पार्ट में तो कॉटाइल उसी तरह हम अगर सौ पार्ट में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटाइल तो इन जनरल जो जो हमारे हिस्से हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्वांटाइल्स क्वांटाइल्स हमारा एक जनरल वर्ड है और क्वांटाइल के के अंतर्गत हम इन हिस्सों को अपने हिसाब से किसी भी पार्टीशन में हम इसको निकाल सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टीशन कमान साइज़ के होने चाहिए हमारे पार्टीशन अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं राइट right? ओके okay, तो देखिए अब हम आगे देखते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हम अपने इन क्वांटाइल्स को चार बराबर हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर दें राइट right, तो उसमें से क्या होगा तो ये जो ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वांटाइल होंगे जिसको हम ऐसे कहते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वांटाइल हमारा हो गया ये ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारा क्वांटाइल क्या करेगा ये हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी को दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करेगा दैट कि इस वैल्यू के बाएं साइड में 25 परसेंट टोटल वैल्यू होंगी और दाहिने हाथ पे जहां मैंने शेड किया है वहां पे 75 परसेंट वैल्यूज़ होंगी राइट right, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 25 परसेंट क्वांटाइल जो हमारा होता है ये हमारे डेटा को दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करता है जिससे कि कम से कम 25 परसेंट वैल्यू हमारी उस क्वांटाइल वैल्यू से कम होंगी और कम से कम 75 परसेंट वैल्यू हमारी उस क्वांटाइल से ज़्यादा होंगी तो और पचहत्तर परसेंट या पचहत्तर परसेंट के बराबर या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी उस क्वांटाइल के ऊपर होंगी और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए इसी टोटल फ्रीक्वेंसी कर को अगर हम दो बराबर हिस्सों में बात कर देते हैं तो ये भी जो हमारी वैल्यू आ रही है क्वांटाइल की ये कैसी होगी कि इसके बाईस हाथ में 50 परसेंट वैल्यूज़ होंगी और दाह और दाहिने हाथ में आपके पास पचास पचास परसेंट वैल्यूज़ होंगी तो ये जो क्वांटाइल हो गया ये क्या हो गया ये क्वांटाइल हमारी वह वैल्यू हो गया जो हमारे टोटल फ्रीकुनसी को दो ऐसे हिस्सों में में डिवाइड करता है कि 50 परसेंट वैल्यूज़ हमारे उस क्वांटाइल से से कम होती कम या बराबर होती हैं और एटलीस्ट पचास परसेंट वैल्यू उस क्वांटाइल की वैल्यू से ज़्यादा या बराबर होती हैं और जो भी वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी को दो बराबर हिस्सों में अर्थात पचास परसेंट क्वांटाइल में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं मीडियन ओके तो अब जरा सर आप, आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट और यहाँ पे क्या लिखा है फिफ्टी परसेंट इसको हम ऐसे ले सकते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव इन टू हंड्रेड और फिफ्टी परसेंट को क्या हम ऐसे ले सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव इन टू हंड्रेड तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम कहें कि जब मैंने आ, आ, इसको मैंने ट्वेंटी फाइव परसेंट के हिसाब से डिवाइड किया फिफ्टी परसेंट के हिसाब से डिवाइड किया सेवेंटी फाइव परसेंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं या हम इसको किसी भी हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं तो अगर हम मान लीजिए कि अल्फ़ा हमारा एक कोई ऐसा नंबर है जो जीरो और वन के बीच में लाई करता है तो हम यहाँ पे अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट क्वांटाइल डिफाइन कर सकते हैं ओके okay. तो अब ये जो हमारा अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट क्वांटाइल है इसको जैसे मैंने 25 परसेंट और पचास परसेंट के क्वांटाइल को डिफ़ाइन किया है इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अल्फ़ा हमारा कोई भी हमारा एक अगर फ्रीक्वेंसी कर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर है ये हम कहते हैं कि ये हमारा अल्फा क्वांटाइल है या ये हमारा अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट क्वांटाइल है तो इसका मतलब ये है कि यह इस टोटल फ्रीकुनसी को दो हिस्सों में बाँट रहा है एक तो इस जो जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसके बाई ओर का एरिया है और एक हमारे इसके दाएँ ओर का एरिया है राइट तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी क्या है अल्फा तो एक ओर का आपका जो एरिया होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा और अगले ओर का एरिया आपका वन माइनस अल्फ़ा हो जाएगा इसलिए क्योंकि जो हमारा टोटल एरिया अंडर कर्व विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा हरदम वन के बराबर होता है राइट right. इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू हंड्रेड हंड्रेड परसेंट क्वान्टल हमारी वह वैल्यू है जो हमारे टोटल डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करती है एक में हमारा अल्फा इंटू हंड्रेड परसेंट वैल्यूज होती हैं और एक में हमारी वन माइनस अल्फा इंटू हंड्रेड परसेंट वैल्यू होती हैं जैसे देखिए यहाँ पे आपकी होंगी अल्फा परसेंट और राइट हैंड साइड में आपकी होंगी वन माइनस अल्फा परसेंट वैल्यू और यह वैल्यू ऐसी होती है कि कम से कम अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कम से कम इस ये जो हमारे वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे मैं गोल गोल कर रहा हूँ पॉइंट कर रहा हूँ ये हमारी उस क्वांटाइल की वैल्यू से कम होती हैं और और कम से कम वन माइनस अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट वैल्यू हमारी इस वैल्यू से ज़्यादा या उसके बराबर होती हैं ओके okay. तो हम अगर हम एक सिंपल सी भाषा में कहें तो मैं देखिए ये लाल पेंसिल लिख रहा हूँ ये हमारा अल्फा कॉन्टाइल है इसका मतलब ये है कि इसके नीचे का जो हमारा पार्टीशन ऐसे हुआ है कि कम से कम हमारी अल्फा इंटू हंड्रेड परसेंट वैल्यूज इस वैल्यू के ये जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ सपोज ये क्यू वैल्यू है क्यू वैल्यू से कम होंगी और कम से कम वन माइनस अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट वैल्यूज हमारी हैं ये हमारी क्यू वैल्यूज से बराबर या उसके ज़्यादा होंगी राइट right. ओके okay, अब अगर हम मान लिए इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो आपको याद होगा कि हमने अपने मीडियन को कैसे डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में हमने अपने मीडियन को डिफ़ाइन करने के लिए क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डेटा होता है तो उसको अगर हमारा अनग्रुप डेटा हमारा x1, x2, xn है तो उसको मैंने ऑर्डर कर लिया था और और ऑर्डर मैंने ऐसे किया था ये जो एक्स ब्रैकेट वन में लिखा हुआ है ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है और जो एक्स ब्रैकेट एन में लिखा हुआ है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है राइट right. और उसकी बेसिस पर आपको याद होगा कि मैंने मीडियम को डिफ़ाइन किया था कि अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे इवन या ऑर्ड होते हैं अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो इसी ये जो ऑर्डर वैल्यू है इसमें से जो बीस की वैल्यू है हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू है वह मीडियन बन जाती है और अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवेंट होते हैं तो बीस की वैल्यू और उसके आगे वाली वैल्यू को लेकर के हम उसका दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं और वह हमारी मीडियन होती है तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे करते हुए यहाँ पर हम जो अपना अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट कॉन्टे है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं राइट right, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारा एन इन अल्फा अगर ये कोई इंटीजियर नहीं है देन हमको क्या क्या करना पड़ेगा एक हमको ऐसा नंबर के चूज़ करना पड़ेगा जो जो वो एक ऐसा सबसे छोटे से छोटा ऐसा इंटीजियर हो जो एन अल्फ़ा से ज़्यादा हो एन एन अल्फ़ा से बड़े साइज़ का हो के शुड बी गेटर देन एन अल्फ़ा और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एन अल्फ़ा हमारा इंटीजर है तो इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है तो अगर हमारा पहले केस में अगर हमको एक इंटीजर के K, ऐसे चूज करना है जो कि हमारा एन अल्फा से ज्यादा हो देन जो भी हमारा केत ऑर्डर्ड वैल्यू है जो हमारी केत ऑर्डर्ड वैल्यू है ऑर्डर्ड वैल्यू का मतलब क्या है जैसे कि हम कहें ये जो एक्स वन हमारी क्या है ये हमारी फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर्ड वैल्यू है और ये हमारी एक्सएन क्या है ये हमारी एनथ ऑर्डर्ड वैल्यू है अर्थात जो जो ऑब्जर्वेशन मैंने ऑर्डर किए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हैं ये उसमें से एनए वैल्यू अर्थात अंतिम वैल्यू है और इसके बीच में अगर हमारे पास कोई भी अगर यहाँ पर आएगा कहीं पर कह, 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 कहीं पर लिखा होगा एक्स के तो ये हमारी क्या हो जाएगी केयत ऑर्डर वैल्यू ओके तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में जो भी हमारी केयत ऑर्डर वैल्यू है वो हमारी आ, जो भी हमारा अल्फ़ा इंटू हंड्रेड परसेंट क्वान्टल है जिसको मैंने एक्स बार अल्फ़ा से से इंडिकेट किया है और अगर हमारा एन अल्फ़ा हमारा इंटीजर है तो आप जो भी एन अल्फ़ाथ वैल्यू है इस ऑर्डर वैल्यू में और उसके आगे वाली वैल्यू अर्थात एक्स एन अल्फ़ा प्लस वन वैल्यू आप उसको ले लीजिए ये हमारी ऑर्डर वैल्यूज है दोनों और उनका दोनों का आप मीन निकालिए आप उसको दो से डिवाइड कर दीजिए तो यह जो भी वैल्यू आएगी वह आपको मीडियन की वैल्यू देगी ओके और इसी तरीके से हम अपने इन आ, जो जो भी हमारे क्वांटाइल्स हैं इनको अगर हम मान लिए चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं जैसे जैसे मैंने यहां पे डिवाइड किया था देखिए ऐसे करके दो हिस्से और दो हिस्से ये हर एक हिस्से में हमारे पास 25 प्रतिशत वैल्यू होनी चाहिए राइट right. तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया ये हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल और ये हमारा फोर्थ क्वार्टाइल। हम मैं मैं क्वार्टाइल नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ क्वार्टाइल। तो जब हम अपने जो जो भी हमारे क्वांटाइल्स हैं उनकी हमारी संख्या होती है चार अर्थात वो टोटल फ्रीक्वेंसी को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इनको हम कहते हैं क्वार्टाइल्स और इनको हम इंडिकेट करते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 से तो अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर को भी देखते हुए कि यह जो Q1 हमारा है ये जो पहला हिस्सा हमारा है ये हमारा आ, इस हिस्से में हमारे प्रथम 25 परसेंट के ऑब्जर्वेशन हैं। और दूसरा हिस्सा में क्या है ये जो दूसरा हिस्सा हमारा है इसको मैं देखिए अगले कलर से बनाता हूँ दूसरा हिस्से में क्या है इसमें हमारे पास आरंभ से लेकर के यहाँ तक के ऑब्जर्वेशन हैं तो हम कहते हैं कि जो जो हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू कहाँ पर आएगी देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आएगी यहाँ पर इस पॉइंट पर सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू यहाँ पर राइट right. और फोर्थ क्वार्टाइल तो आपको पता ही है कि ये आप ये तो आपका जो भी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन से वो हो जाएगा तो सेकंड क्वार्टाइल में हमारा क्या हो गया देखिए सेकंड क्वार्टाइल चू टू हमारी ऐसी वैल्यू है जो हमारे 50 परसेंट ऑब्जर्वेशन को कंटेन करती है अर्थात ५० परसेंट वैल्यू उस वैल्यू से हमारे नीचे हैं और इसको हम बोलते हैं मीडियन ऐसे हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए Q3 थ्री मैं इसको चलिए एक और कलर से करता हूँ ये वाला क्यू थ्री तो क्यू थ्री देखिए अगर आप देखिए यह आपके टोटल एरिया को 75 परसेंट और 25 परसेंट में डिवाइड कर रहा है और अगर आप आराम से चलने की कोशिश करेंगे इस वाले पॉइंट से तो थर्ड क्वार्टल हमारी वह वैल्यू है किसके नीचे हमारे पास सेवेंटी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन आते हैं और फाइनली आपका जो फोर्थ क्वार्टाइल होगा मतलब उसके अंदर आपके पास सारे सारे ऑब्जर्वेशंस आ गए तो जो चौथा क्वार्टाइल होता है उसके अंदर हमारे पास हंड्रेड परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम क्वांटाइल्स को क्वार्टाइल कहते हैं राइट right. और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि हम अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी को दस बराबर हिस्सों में अगर हम डिवाइड करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं ये हमारी इसको हम लिख सकते हैं डी वन डी डी थ्री अप टू हेयर डी और से d10 तो इसमें से क्या हो जाएगा हर एक हिस्सा जो हमारा 10% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी को कंटेन करेगा तो इसका मतलब क्या है जो हमारा फर्स्ट पहला हिस्सा हमारा है D1, वन यह, यह हमारा क्या है यह हमारे 10% परसेंट ऑब्जर्वेशन को लेगा जो दूसरा हमारा है हिस्सा D2 पर यह हमारा इसके पहले के सारे ऑब्जर्वेशन को लेगा तो ये हमारा 20% परसेंट ऑब्जर्वेशन को लेगा तो ये जो हमने इसके 10 हिस्से किए हैं इनको हम इंडिकेट करते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और डी कैन से और इनको हम कहते हैं किसाइल्स तो जो हमारा प्रथम किसाइल होगा वह 10 परसेंट ऑब्जर्वेशन को लेगा जो हमारा जो हमारा दूसरा डिसाइल होगा वो हमारा 20 परसेंट ऑब्जर्वेशन को लेगा और जो मेरा पांचवा डिसाइल होगा वो 50 परसेंट को ऑब्जर्वेशन लेगा और अगर आप पहचान सके तो पहचान ही है जो डी फाइव हमारा क्या हो गया मीडियन ही तो हो गया राइट right, उसी तरह से जो हमारा नाइन्थ डिसाइल होगा जैसे अगर हम यहाँ की बात करें और अगर इसको हम लिए शेड करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की D9 नाइन पॉइंट के पहल तक की जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको लेने की कोशिश करेगा अर्थात ये जो टोटल एरिया हमारा 90 परसेंट हो जाएगा तो जो हमारा नाइन्थ डिसाइल है वह 90 परसेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन को कंटेन करने की कोशिश करेगा ओके okay. जैसे आपने यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी को चार बराबर हिस्सों में दस बराबर हिस्सों में बांटा है उसी तरीके से हम अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी को सौ बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं राइट और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएंगी पहली वैल्यू क्या जाएगी पी वन पी टू पी टू करके एसेट्रा करके लास्ट वैल्यू पी हंड्रेड तो जब भी हम अपने टोटल फ्रीक्वेंसी को हम जब सौ बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसको हम इंडिकेट करते हैं जैसे P1, P2, P100 और इनको हम बोलते हैं परसेंटाइल परसेंटाइल वही तो बात हो गई जो आपको मैं शुरू में उदाहरण में बता रहा था कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने ले के लिए हर एक स्टूडेंट को अपने बोर्ड में टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल में होना चाहिए राइट तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम ऐसा कुछ अगर एक कर बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा करके परसेंटाइल आएंगे और यहाँ कहीं पर हमारे पास एटियथ परसेंटाइल आएगा अर्थात पी और इसके ऊपर हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू आएगी अगर हम कहते हैं सेवेंटी फाइव से से आउट ऑफ हंड्रेड नंबर आ रहा है तो अगर ये सेवेंटी फाइव आउट ऑफ हेंड्रेड अगर है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे किसी बोर्ड से एक्स का कर्व अगर है तो इस बोर्ड एक्स में जिस स्टूडेंट के 75 के ऊपर के नंबर आए हैं वो हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल है और अगर मान लीजिए यही काम अगर हम मान लीजिए किसी और बोर्ड के लिए करने की कोशिश करते हैं और सपोज़ हमारा बोर्ड होता है हमारा बोर्ड वाई राइट हम यहाँ भी इसमें परसेंटाइल बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कहीं पर हमारा होगा पी सपोज ये हमारा है बोर्ड वाई राइट वाई बोर्ड है और यहाँ पर अगर हम जब देखते हैं तो हमारा आता है कि पी एटी हमारा क्या हो गया ये तो हमारा नाइन्टी आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे वाई बोर्ड का एटी परसेंटाइल है वो हमारा है नाइन्टी आउट ऑफ हंड्रेड तो अर्थात जो स्टूडेंट्स वाई बोर्ड में में अपियर हुए हैं वह उन स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स नाइन्टी के ऊपर आए हैं वह वह हमारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और जो लोग हमारे एक्स बोर्ड में अपीयर हुए हैं जो स्टूडेंट्स हमारे एक्स बोर्ड से अपीयर होकर के आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स में से जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सेवेंटी फाइव नंबरों के ऊपर भी आए हैं तो भी वह हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं राइट तो देखिए ये फ़र्क होता है अगर हम परसेंटाइल का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम परसेंटेज का इस्तेमाल करें तो शायद हो सकता है कि ये जो परसेंटेज आपने जो आ, जो आपने यहाँ परसेंटाइल निकाला है और परसेंटेज के मार्क्स में बहुत अंतर हो राइट right. तो देखिए ये हमारा परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट होता है और इन जनरल जो हमारे क्वाटाइल हैं परसेंटाइल हैं डिसाइल हैं इत्यादि इत्यादि इनको हम इन जनरल कहते हैं आर कि वो हमारे क्वांटाइल्स हैं राइट right. अब हम जरा सा देखते हैं कि इसको हम आर सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं और जब हम देखेंगे हम इसको आर सॉफ्टवेयर में निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है हम अपनी इच्छा से किसी भी क्वांटाइल को अपने हिसाब से निकाल सकते हैं लेकिन क्वांटाइल्स को निकालने के लिए आपको यह समझना बहुत आवश्यक है कि आप उनका कैसा पार्टीशन करना चाहते हो और पार्टीशन होने के बाद वो कैसे लगते हैं राइट right. तो देखिए जनरल हमारा कमांड होता है क्वांटाइल क्यू यू ए एन टी आई एल ई और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो भी डेटा वेक्टर है एक्स वो हम दे देते हैं राइट right. ओके okay. अब इसमें से देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं वो वो अगर हम ऑप्शन दे, दे देंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार क्वांटाइल का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं तो जैसे मैंने कह दिया क्वांटाइल एक्स और एक हमारा पैरामीटर होता है प्रॉप्स ये हमारा प्रोबेबिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म है तो ये हमारी आ, ये एक हमारा न्यूमरिक वेक्टर होता है जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू देते हैं अब प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू का क्या मतलब है अगर आप ये सोचिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है जीरो और वन के बीच में तो फ्लाई करती है और ये जो आपने कर बनाया था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर ये आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर भी तो है और जब आपने यहाँ परसेंटाइल बनाने की कोशिश करी है तो हर एक सेक्शन में खाली वन परसेंट एरिया ही तो है तो क्या आप परसेंटाइल को प्रोबेबिलिटी के तरह भी कंप्यूट कर सकते हैं या ऐसा कम से कम सोच सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि आ, कि हमको हमको अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्वेंटी परसेंटाइल और 40th परसेंटाइल सिक्सटी परसेंटाइल की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब यही तो है कि जो यहाँ पे हमारा पी ट्वेंटी होगा वह इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल एरिया को कंटेन करेगा जो आपका यहाँ कहीं पी सिक्सटी होगा वह इस पॉइंट से लेकर के शुरू तक पूरा पूरा वो क्या बोलते हैं कि सिक्सटी परसेंट एरिया को कंटेन को, 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 को करेगा तो इस तो इसीलिए हम अपने जो क्वांटाइल्स को इन जनरल हम उसको प्रॉब्लिटीज़ के टर्म्स में इंडिकेट कर देते हैं राइट right? तो यहाँ पे आपको जो जो आपको क्वांटाइल्स निकालने हो आप उनको जीरो और वन के बीच में इंडिकेट कर सकते हैं जैसे कि अगर मुझको ट्वेंटी एथ फोर्टी एथ और सिक्सटी एथ परसेंटाइल निकालना है तो हम प्रॉप्स को यहाँ पे सी जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर और जीरो पॉइंट सिक्स करके दे देंगे हाँ रिमम्बर वन थिंग कभी हम इसको यहाँ पर ऐसा नहीं देंगे सी ट्वेंटी परसेंट और सिक्सटी ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे राइट right, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एन ए डॉट आराम की अगर आपके डेटा में कोई अगर मिसिंग वैल्यू है तो आप उसको वहाँ पर ट्रू कर देंगे तो वो इन क्वांटाइल्स को मिसिंग वैल्यू को हटा करके कम्प्यूट कर लेगा और ऐसे ही हमारा होता है एक होता है टाइप देखिए टाइप बहुत ही आवश्यक है जैसे मैंने बताया ना कि जब हम सॉफ़्टवेयर में काम करते हैं तो जो भी हमारे कंप्यूटेशन होते हैं वो एक एल्गोरिथम पर बेस्ड होते हैं और जो डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं वो हमारे डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं तो यहाँ पे आर के अंदर भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करके हम अपने क्वांटाइल्स को निकाल सकते हैं तो उन्हीं क्वांटाइल्स को यहाँ पे उन्हीं जो जो हमारे एल्गोरिथम है जिनके थ्रू हम इन क्वांटाइल्स को निकालना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे टाइप से हम इंडिकेट कर कर सकते हैं तो आर सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर एक से नौ तक की कोई भी अगर आप संख्या यहाँ पे दे देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एल्गोरिथम नंबर वन एल्गोरिथम नंबर टू एल्गोरिथम नंबर थ्री इत्यादि आपके वहाँ पे चूज आ, उनकी आ, उ, उनका कलेक्शन हो जाएगा और वह आपके क्वांटाइल उसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आप निकाल सकते हैं अब एल्गोरीथन नंबर वन एल्गोरीथम नंबर टू एल्गोरिथन नंबर थ्री में क्या है कौन से एल्गोरिथम है उनके क्या और बाकी डिटेल्स हैं उसके लिए आप हेल्प मेन्यू में जा कर के देख सकते हैं राइट right. जैसे कि आपको आपको हम खाली इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो टाइप वन एल्गोरिथम है वो वो आपका इनवर्स ऑफ एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर बेस्ड है लेकिन अब इम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ये तो हमने यहाँ पे नहीं किया इसीलिए मैं इसको यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ ओके okay, और इसी तरह टाइप टू जो है ये हमारा टाइप वन की तरह ही है लेकिन जो एवरेजिंग होती है वो हमारे डिफरेंट डिस्क कंटिन्यूटी पॉइंट्स पर होती है और ऐसे हमारा जो टाइप थ्री ये हमारा नियरेस्ट इवन ऑर्डर स्टेटिस के जो पर बेस हमारा जो एल्गोरिथम है वो उसकी बेसिस पे करता है इत्यादि इत्यादि राइट right. ओके okay, अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर करके दिखाते हैं और इस उदाहरण में हम क्या कर रहे हैं कि मैंने एक पचास लोगों का पचास लोगों की मैंने हाइट ले ली है और उसको मैंने सेंटीमीटर्स में रिकॉर्ड कर लिया है और उसका देखिए मैंने डेटा यहाँ पर लिख लिया है राइट right, तो ये बेसिकली आपका ये कॉन्टीन्यूस डेटा है ये राइट right. हाँ आप यहाँ पर मैंने नंबर इंटीजर में लिए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये किसकी डेटा है लेकिन मैंने खाली आपकी इस सुविधा के लिए और जो हमारी स्लाइड्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएँ जो आपको आंख से दिखाई पड़ सके आसानी से मैंने इस बात का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पचास ऑब्ज़रवेशंस uh, लिए हैं और इसको मैंने इस हाइट कैटावेक्टर में स्टोर कर लिया है अब हम देखिए आपको यहाँ पे क्वांटाइल फंक्शन का इस्तेमाल करके दिखाते हैं और आपको हम डिफरेंट ऑप्शन करके दिखाएंगे कि आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं राइट ओके देखिए सबसे पहले तो मैंने कर दिया जो डिफ़ॉल्ट है क्वांटाइल हाइट और क्वांटाइल लिख करके मैंने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया हाइट तो देखिए ये आपको आउटकम मिल गया अब जरा ये आउटकम आपको देख करके समझना है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है राइट right. ये देखिए पहली लाइन में दे रहा है जीरो परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट और उसके नीचे देखिए एक एक ये वैल्यू लिखी हुई है तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये, ये यह बताइए यह टोटल फ्रीक्वेंसी को पांच हिस्सों में डिवाइड कर रहा है कि चार हिस्सों में डिवाइड कर रहा है यह एक भ्रांति ऐसी है जो आम आ, लोगों को हो जाती है हम हम जब क्वांटाइल्स की बात करते हैं तो हम हिस्सों की बात कर रहे हैं तो जो ज़ीरो परसेंट तो यहाँ पर होगा और आपका हंड्रेड परसेंट यहाँ होगा इसके बीच में देखिए इसने क्या किया ट्वेंटी फाइव परसेंट पे कर दिया फ़िफ्टी परसेंट पे कर दिया सेवेंटी फाइव परसेंट पे कर दिया राइट right? तो तो Q क्यू फिफ्टी कर दिया क्यू ट्वेंटी फाइव कर दिया और क्यू सेवेंटी सेवेंटी फाइव कर दिया देखिए तो पहला हिस्सा आपका ये हो गया दूसरा हिस्सा आपका ये हो गया तीसरा हिस्सा आपका ये हो गया और तो चौथा हिस्सा आपका ये हो गया तो कितने गए से चार हिस्से हुए ना लेकिन यहाँ पे देखिए पांच वैल्यूज़ दी गई हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ता है लोग अक्सर जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है उसको ये पहली वैल्यू समझ लेते हैं ऐसी गलती आपको नहीं करनी है तो ये जो वैल्यू आई है ये आपकी फ़र्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है ये जो आई वैल्यू आई है हंड्रेड ये आपकी सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू है जो थर्ड वैल्यू है 158 ये आपकी थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू और जो चौथी वैल्यू है 166 ये आपके चौथे क्वार्टाइल की वैल्यू है राइट right. तो देखिए आपको यहाँ पे क्वार जो आपने डिफॉल्ट आउटकम लिया है क्वार्टाइल का यह आपको क्वार्टाइल दे रहा है अर्थात ये टोटल फ्रीक्वेंसी को चार हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इसको मान लीजिए अगर हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू अगर करना चाहें तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अगर हम मान लीजिए कि आ, अपने हम इसके चार हिस्से करना चाहते हैं तो हमको प्रॉबलिटीज़ क्या क्या देनी पड़ेंगी 0.25, 0.5, 0.75 और से हेयर वन लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे ज़ीरो कर दीजिए अब देखिए जीरो ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव को अगर हमको इस इस तरह के सीक्वेंस को जनरेट करना है तो आपको सीक्वेंस के बारे में पता है आप एक यहाँ पर कमान लिख देंगे सीक्वेंस ए सी क्यू यहाँ से ये यह यह आपको हो गया फ्राम फ्राम ज़ीरो टू वन बाई बाई कितना ज़ीरो पॉइंट टू फाइव आपको देखिए जीरो जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव और वन पॉइंट जीरो जीरो आपको देखिए एक सीक्वेंस मिल गया अब ये जो आपका है ना प्रॉप्स प्रॉप्स में आप कुछ भी यहाँ पे ले कर सकते हो सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हो डेटा वेक्टर को सी कमान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो या या इस तरह से आप जो भी करना चाहो लेकिन आपको यहाँ पे किसी इसको डेटा वेक्टर के फॉर्म में वैल्यूज़ देनी होती हैं कोई आवश्यक नहीं है कि सारी वैल्यूज़ हमारी सीक्वेंस में हों जो आपकी इच्छा हो जो आपकी आवश्यकता हो आपकी 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 उसके अनुसार आप यहाँ पर प्रॉप्स की वैल्यू दीजिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया हाइट और प्रॉप्स मैंने कर दिया सीक्वेंस जीरो टू वन बाई जीरो पॉइंट टू फाइव अब जरा से देखिए यहाँ भी आपको यही मिल गया जीरो ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट तो इस उदाहरण से मैं आपको ये दिखाई दिखाने की कोशिश कर रहा था जो आपका डिफॉल्ट देखिए आता है क्वान्टल हाइट जहाँ पर आपने यहाँ पर कोई भी प्रॉप्स की वैल्यू नहीं दी हुई है तो यहाँ पर आपका प्रॉप्स सीक्वेंस ज़ीरो वन और जीरो पॉइंट टू फाइव ही चलता है राइट right, ओके okay. अब इसका मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉप्स का सीक्वेंस लेना चाहे तो आप ले सकते हैं चलिए हम आपको करके दिखाते हैं देखिए ये आपका तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया राइट और चलिए पहले मैं आपको ये वाला जो है इसको आपको निकाल करके दिखा देते हैं सो कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये कैसे काम करेगा तो इस डेटा को मैंने कॉपी कर लिया मैं आर कंसोल में आ गया मैंने देखिए इस डेटा को यहाँ पर स्टोर कर लिया हाइट अब मैंने यहां पे कर दिया क्वांटाइल हाइट देखिए क्या आ गया ये, ये आपकी चार क्वांटाइल आ गए और इसी में मैंने यहां पे कर दिया प्रॉफ्स इक्वल टू सीक्वेंस जीरो टू वन बाई जीरो पॉइंट टू फाइव देखिए क्या आ गया देखिए एक ही वैल्यू तो आ गई जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली यही वैल्यू देखिए यहां पे आ गई तो अब आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि जो क्वांटाइल फंक्शन का जो हमारा डिफॉल्ट आउटकम है वो क्वार्टाइल है राइट अब देखिए हम एक काम करते हैं हम इस सीक्वेंस फंक्शन में जो अपनी वैल्यूज हैं इनको हम जो चेंज करते हैं कुछ ऐसा जीरो से वन जीरो पॉइंट वन के बीच में अर्थात जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री अप टू हेयर वन पॉइंट जीरो तो ये आपके टोटल कि, कितने कितने हिस्से हो गए दस आप ये बताइए जब आप टोटल फ्रीक्वेंसी को दस हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या चीज मिल रही है आपको मिल रहे हैं और अब आप, आपने देखा कि इन को निकालने के लिए आपको कोई अलग से आवश्यकता है ही नहीं आप खाली प्रॉप्स अपने को फंक्शन को प्रॉप्स पैरामीटर को कंट्रोल कर लीजिए और देखिए आप अगर आपको इसका अगर आउटकम देखेंगे आपको देखिए ऐसा दिखाई पड़ेगा तो आपका देखिए ये जो वैल्यू है ये आपकी d1 की वैल्यू है ये वैल्यू d2 की वैल्यू है ये वैल्यू d3 की वैल्यू है और ऐसी करके ये आपकी d4 की वैल्यू है ये आपकी d5 की वैल्यू है यह d6 की वैल्यू है यह d7 की वैल्यू है यह d8 की वैल्यू है यह d9 की वैल्यू है और यह आपकी d10 की वैल्यू है राइट right. अब आपको जो भी चाहिए आप अपने खाली प्रॉप्स फंक्शन को आपको आप कंट्रोल करिए और आप अपना आउटकम यहाँ पे लेते जाइए ओके अब देखिए इसी में अगर हम वाली सीक्वेंस में अगर हम कर दें यहाँ पे जीरो टू वन और जो इसका इंक्रीमेंट हो रहा है पॉइंट जीरो वन हो रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा कभी सोचिए ये आपको सौ बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो प्रॉप्स को अगर आप ले लेंगे जीरो टू वन और इंक्रीमेंट जीरो पॉइंट जीरो वन से हो रहा है तो देखिए आपका प्रॉप्स को कुछ ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा देखिए जीरो से लेकर के वन तक सौ वैल्यूज़ और इन्हीं वैल्यूज़ को आप अगर मान लीजिए अपने क्वांटाइल फंक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सौ वैल्यूज़ मिल रही हैं देखिए ये वैल्यू क्या हो गई P1 वन सेकेंड वैल्यू क्या हो गई पी टू इसी तरह से आपकी अगर हम कहें आपका एटी एट परसेंटाइल जिसका मैंने अभी उदाहरण लिया था देखिए यहाँ पर दिया हुआ ही है तो इसका मतलब ये है कि पी एट्टी क्या है हंड्रेड फिफ्टी नाइन अर्थात 159 के ऊपर जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी टॉप 20 परसेंटाइल वैल्यूज़ हो जाएंगी राइट right, तो आपने देखा देखिए इसको निकालना बहुत ही आसान काम है राइट right? और देखिए ये आपका स्क्रीन भी इसका है हम आपको देखिए इसको आर कंसोल में करके दिखाते हैं बहुत ही आसान है राइट right? हमको क्या करना है अपने इसी कमांड में खाली अगर हम सीक्वेंस को अगर हम कर देंगे ज़ीरो पॉइंट वाइन वन तो आपको ये टोटल देखिए दस हिस्सों में मिल गया तो ये आपके क्या हो गए डी वन डी टू अपू डी टेन और इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हम पॉइंट ज़ीरो वन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा जो प्रॉप्स का जो सीक्वेंस इसको आपने जीरो से वन उसको सौ हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो देखिए ये आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी देखिए ओके और अगर आप यहाँ पे देखेंगे देखिए ये आपको 80th परसेंटाइल यहाँ पे दे रहा है लेकिन आपको ये समझना आना चाहिए कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है और हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं राइट देखिए ये इसका आउटकम है स्क्रीनशॉट जो आपने अभी यहाँ पर निकाला है तो देखिए अब आपको ये सब कॉन्टाइल निकालना कॉन्टाइल निकालना डिफरेंट तरीके के पार्टीशन वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया है अब हम इसी में काम करते हैं इसी डेटा सेट में जरा हम अपनी जो पहले की दो वैल्यू इनको हम एन कर देते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम एन कर देते हैं तो हम अपने इस कॉन्टाइल uh, फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे तो मैंने यहाँ पे कर दिया मैंने इसी डेटा सेट को मैंने हाई डॉट एन का नाम दे दिया और और पहली दो वैल्यूज़ को मैंने एन ए एन कर दिया अब देखिए मैंने जब यहाँ पे सिंपल कहा क्वांटाइल हाइट डॉट एन तो इसने मुझे कह दिया कि यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है और जब मैंने कर दिया एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू जिसको अब आपको समझ में आ गया है तो देखिए इसने आपको क्वाटाइल्स कह दी है राइट और जब आपने इसमें से कर दिया अपने प्रॉप्स फंक्शन को कर दिया ज़ीरो टू वन और इसका इंक्रीमेंट हो गया जीरो पॉइंट वन के साथ में तो इसने आपको क्लिसल्स दे दिए डी वन डी टू अपू तो हेयर डी टेन देखिए राइट और इन वैल्यू को आप आप पहले वाली वैल्यू से कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि दो हमारे डेटा सेट अलग अलग हैं राइट देखिए ये आपका क्या है ये आपका स्क्रीन शॉट हो गया तो चलिए अब हम आपको जरा सा इसी बात को आप आपके आर कंसोल में करके दिखा दें सो डैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चीज़ काम भी करती हैं राइट right, चलिए हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं कैसे कंट्रोल एल और मैंने देखिए अपना ये डेटा ले लिया हाई डॉट एन ए राइट अब इसमें से देखिए आप अगर इसी में आप अगर क्वांटाइल फंक्शन अगर डायरेक्ट लगा देंगे तो देखिए आपको दे देगा एरर राइट ऑन द अदर हैंड जो कमांड आपने यहाँ पे देखिए यूज़ किया है इसी के अंदर आप अगर कर दोगे एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू देन आपको देखिए ये देगा ये एन ए डॉट Is equal to true. दे दिया तो देखिए आपको मिल गए थे Q1, Q2, Q3, Q4। अगर आप यहाँ पे D1, D2, डी अगर निकालना चाहते हैं तो आप ले लीजिए यहाँ पे प्रॉप्स इक्वल टू सिक्वेंस जीरो कॉमा वन और इसमें से इंक्रीमेंट कैसे होगा जीरो पॉइंट वन से होगा तो आपको देखिए यहाँ पे कैसाइल से मिल गए और अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी अगर दे दो आप अगर जीरो पॉइंट वन थ्री भी दे दो आप अगर तो भी देखिए आपको एक थर्टीन परसेंट परसेंटाइज ट्वेंटी सिक्स परसेंटाइज थर्टी नाइन परसेंटाइल मिल जाएगा राइट right. और इसी में आप अगर इसको अगर मान लीजिए आपको परसेंटाइल अगर देखिए निकालना है तो आप इसमें पॉइंट जीरो वन कर दीजिए देखिए ये आपको मिसिंग वैल्यू को हटाने के बाद में इसने आपको परसेंटाइल भी दे दिया और इसी में आप अगर मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर परसेंटाइल चाहते हैं तो इसमें हम प्रॉप्स कमांड को सी कमांड के साथ भी दे सकते हैं जैसे मैंने कह दिया कि मैं उसको सेवेंटीनथ हमको परसेंटाइल चाहिए तो उसको हम दे देंगे जीरो पॉइंट वन सेवन और हमको सपोज ट्वेंटी थर्ड बहुत ऑड नंबर में ले रहा हूँ जीरो पॉइंट टू थ्री चाहिए और मुझको फिफ्टी नाइन चाहिए तो ज़ीरो पॉइंट फाइव नाइन तो देखिए अगर यहाँ पे मिसिंग वैल्यू हो या ना हो आपको खाली एन ए डॉट आर एम तो यूज़ करना है और आप देखिए देखिए आपको ये सेवेंटीन ट्वेंटी थर्ड और फिफ्टी नाइन मिल जाएंगे तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी क्वांटाइल आपको निकालना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं और अगर यहाँ पे खाली अगर एक ही वैल्यू अगर है कोई आपसे कहे कि हमको नाइन्टी फिफ्थ परसेंटाइल चाहिए जो एक हमारे स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है तो देखिए ये भी आपको मिल गया खाली एक ही वैल्यू में मिल गया राइट इसको हम कहते हैं अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में बात करते हैं ये हमारा वही क्वांटाइल है हम कहते हैं फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अर्थात वहाँ पे हमको नाइन्टी फिफ्थ परसेंटाइल को निकालना होता है ओके okay, चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे और यह लेक्चर हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिसमें हम लोग ने डिफरेंट तरीके की पार्टीशन वैल्यू को हम कैसे आराम से निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करी एक्चुअली पार्टीशन वैल्यू को निकालना तो बहुत आसान है लेकिन उनको समझना ज़्यादा आवश्यक है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो परसेंटाइल को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो पर्सेंटाइल की जगह परसेंटेज ही निकालते हैं तो मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसी गलती आप मत करिएगा परसेंटेज अलग होता है परसेंटाइल अलग होता है और इसीलिए मैंने इस जो हमारा क्वांटाइल्स हैं या जो हमारी पार्टीशंस वैल्यू हैं इसको मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करी है क्योंकि आज में आज के इस समय में जैसे बहुत से हमारे इम्पोर्टेंट कंपटीशन हैं वहाँ पर हम टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल की बात करते हैं और लोग अगर वहाँ परसेंटेज को अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो कितने सारे स्टूडेंट्स का का जो भी भविष्य अच्छा नहीं होता है उससे जो भी हम करते हैं गलत होते हैं उस उनका भविष्य मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खराब हो जाता लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता है इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आप इनको सीखिए समझिए और मैं आपको एक काम करने को कहता हूँ आप एक छोटा सा डेटा सेट लीजिए और उसमें से आप परसेंटेज भी निकालिए और परसेंटाइल भी निकालिए और एक बार नहीं आप उसको अलग अलग डेटा सेट लीजिए डेटा में वैल्यूज़ को वेरी कर दीजिए टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी कर दीजिए या आप उसको आगे पीछे कर दीजिए कुछ आप ज़ीरो से लेकर एक हज़ार के बीच में वैल्यू ले लीजिए और ऐसा डेटा जहाँ पर आप अपने हाथ से कंप्यूट कर सकते हो और फिर देखिए कि परसेंटेज और परसेंटाइल के अलग अलग आते हैं कि नहीं आते हैं ओके okay, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करिए उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आप ये एक्सप्लोरेटरी स्टैट्सिकल डेटा एनालिसिस जो छोटे छोटे टूल हैं अगर आप इसको सीख जाएंगे तो बाद में वो आपके बड़े बड़े काम करने में आपकी मदद करेंगे तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर पर मिलने जरूर आऊँगा तब तक के लिए गुड बाय